यूपी का चित्रकूट जिला भगवान राम की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने अपने वनवास के 11 साल चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी वजह से ये जगह देश भर में हिंदू धर्म मानने वालों के मंदिरों के शहर और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि अब ये जगह बौद्ध धर्म के लिए भी खास हो चुकी है, वजह बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि हाल ही में चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम लालापुर से कुछ ही दूरी पर चित्रकूट एक कल्चरल हेरिटेज की टीम को प्राचीन बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य कला के अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से बात करें तो इसमें तकरीबन 1 मीटर ऊंचाई का पिरामिड आकार का वोटिव स्तूप मिला है, जो कि लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इसमें 156 ध्यान मुद्रा की बौद्ध प्रतिमाएं बनी हैं। नीचे के सपाट बेस की ओर दो दो सिंह चारों कोने में बने हुए हैं। बता दें वोटिव स्तूप मन्नत का चढ़ावा होता है, इसे संकल्पित स्तूप भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की वस्तु या धातु अवशेष नहीं रखा जाता। किसी मन्नत पूरी होने या इच्छित वस्तु मिलने पर उपासक बड़े स्तूप के चारों ओर इसे बनवाते हैं। इसे श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामनाएं पूरी होने पर लगाया जाता है। बोधगया की ख्यात पर्यटन मौसम में तिब्बती और विदेशी श्रद्धालु इन वोटिव स्तूपों पर अपनी आस्था अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। स्तूपों को रंग बिरंगे फूलों और छोटे छोटे पात्र में पानी भरकर बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया जाता है, जो वहां आने वाले पर्यटकों को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। खैर, वापस आते हैं चित्रकूट पर। तो यहाँ इन वोटिव स्तूपों के साथ साथ महात्मा बुद्ध से जुड़ी और भी कई खंडित प्रतिमाएं मिली हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर इस जगह पर उत्खनन हो तो और भी ज्यादा जानकारियां सामने आ सकती हैं, जो भारतीय इतिहास से गुम हुए बौद्ध संस्कृति व स्थापत्य कला के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित होगी। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध से जुड़े ये साक्ष्य कहीं ना कहीं चित्रकूट को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने में भी मदद करने वाले हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इस स्थल का सीधा संबंध कौशाम्बी जनपद तथा मध्य प्रदेश के सतना जनपद में मिले भरहुत बौद्ध स्थल से भी हो सकता है। ये स्थल मानव बस्ती से दूर एक निर्जन क्षेत्र में एक बड़े बौद्ध विहार के रूप में दिखाई पड़ता है। खैर, अब चलते चलते आज आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो सवाल है कि यूपी में जो बुद्ध सर्किट बन रहा है उसमें कौन कौन सी जगहों को शामिल किया गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी। नमस्कार।